जहां आप बैठे हैं वहां से 635 लाइट ईयर की दूरी पर बाहरी स्पेस में कहीं दूर एक प्लैनेट है, एक सूरज जैसे तारे के हैबिटेबल यानी जीवन के रहने लायक जोन में पाया गया पहला प्लैनेट। इसका नाम है केपलर 22b। जब एक प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है तब इसका मतलब ये होता है कि उस प्लैनेट पर शायद लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, और जहां वाटर है वहां जीवन है, इंसानी जीवन भी वहां पर मौजूद हो सकता है। आप देख रहे हैं अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट। क्या हो अगर आप केपलर 22b पर रहो? केपलर 22b वो है जिसे साइंटिस्ट एक एक्सोप्लैनेट कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक प्लैनेट है, लेकिन कई बार इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजना इतना आसान नहीं होता। ये प्लैनेट्स जिन तारों का चक्कर लगाते हैं उनकी चमकदार रोशनी की वजह से ये हमारे टेलीस्कोप से छुपे रहते हैं। इस तक पहुंचने के लिए साइंटिस्टों ने एक तरीके का इस्तेमाल किया, खुद तारे को ही देखते रहना ताकि वो किसी भी अजीब बात को नोटिस करने के लिए उन पर नजर रख सकें। उन्होंने केपलर 22b की खोज ट्रांसिट कहे जाने वाले एक तरीके से की। उन्होंने केपलर 22b को देखा, मतलब वो तारा जिसका ये एक्सोप्लैनेट चक्कर लगाता था, और देखा कि उसकी चमक समय के साथ बदलती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि केपलर 22b इस तारे की रोशनी को रोक रहा था, और इस तरह से साइंटिस्ट केपलर 22b और ये जिस तारे का चक्कर लगाता है दोनों के बारे में ही जानकारियां इकट्ठा कर पाए। ठीक है, लेकिन हम असल में केपलर 22 के बारे में क्या जानते हैं? इसका भार अर्थ के मुकाबले 36 गुना ज्यादा है और रेडियस अर्थ के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा बड़ा। केपलर 22b का एक साल 290 दिन जितना लंबा होता है। इसके अपने तारे से दूरी हमारे सूरज और धरती के मुकाबले 15% कम है। अगर अर्थ सूरज के इतना पास चला जाए तो आप भून जाओगे। वहीं दूसरी तरफ केपलर 22b खुशकिस्मत है कि इसके सूरज हमारे सूरज के समान ही है, पर उससे काफी छोटा और ठंडा भी है। तो इसके तारे के साथ इसकी नजदीकी की वजह से प्लैनेट को सूरज की उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी हमें अपने सूरज से मिलती है। केपलर 22b का तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, मतलब अर्थ के वसंत वाले मौसम जैसे। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये काफी रहने लायक भी है। लेकिन हमारी गैलेक्सी एक बेरहम जगह हो सकती है और यहाँ हर खबर अच्छी नहीं है। कुछ मॉडल्स के हिसाब से केपलर 22b अपने एक साइड पर रोटेट करता है यानी घूमता है, कुछ हद तक हमारे यूरेनस की तरह। ये सुनने में ज्यादा अहम तो नहीं लगता, पर इसकी वजह से जानलेवा मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स आधे साल के लिए या तो सूरज की रोशनी से ढके होंगे या फिर अंधेरे से। ये सीधे इससे नहीं जुड़ा कि आपको दिन ज्यादा पसंद है या रात। केपलर 22b जैसी दुनिया का अपनी साइड पर घूमने का मतलब है कि तापमान उबलने वाली गर्मी से जमा देने वाली ठंडी तक बदल सकता है, जो इंसानों के जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जानता हूँ कितने दुख की बात है। अभी निराश मत होइए, हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसमें थोड़ी उम्मीद शामिल की जा सकती है। नई स्टडीज दिखाती हैं कि केपलर 22b एक 50 मीटर गहरे महासागर से ढका हुआ हो सकता है, और ये महासागर एक कुदरती क्लाइमेट का काम करेगा जिससे भयानक तापमान को रोका जा सकता है। देखिए, एक महासागर गर्मियों के मौसम में गर्माहट को स्टोर करता है और सर्दियों में उसी गर्माहट को छोड़ता है। लेकिन जरा रुकिए, आप इतने दूर केपलर 22b तक जाएंगे कैसे? मेरा मतलब है कि अगर आप प्रकाश की स्पीड से भी वहां जाते हैं तो आपको 635 सालों का समय लगेगा। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इस सफर के लिए एक ऐसे डिवाइस में बैठकर हाइबरनेट करना यानी शीत निद्रा करना, जो आपकी बॉडी को उसकी कुदरती उम्र के बाद भी वैसे ही बचा कर रखे, जैसे क्रायोजेनिक स्लीप। नासा ने पहले ही एक क्रायोजेनिक चैम्बर पर काम किया है।
जो कि एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी के तापमान को 32 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सके। इससे कुदरती हाइबरनेशन की शुरुआत हो सकती है, जिसके दौरान कैथेडॉक्स यानी नलियों से आपकी बॉडी को पोषण पहुंचाया जाएगा और उसका वेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन क्रायोस्लीप में भी एक लंबी और खतरनाक ट्रिप होगी। इसके साथ हम आते हैं इस सफर के सबसे खतरनाक हिस्से पर, केपलर 22 के बारे में वो सारी चीजें। सबसे पहले तो हम अभी ये नहीं जानते कि वहाँ ग्रेविटी कैसी है। ये हमारे प्लेनेट के मुकाबले दोगुना ज्यादा भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक 10 किलोग्राम की आलू की बोरी अब 20 किलोग्राम की होगी। आपकी बॉडी पर भी इसका असर पड़ेगा। क्या आपका मौजूदा वजन 75 किलोग्राम है, तो अब अचानक 150 किलोग्राम के अपने वजन को संभालने के लिए तैयार हो जाइए। सुरक्षा के लिए वहाँ सेटल होने वाले आपके जैसे लोगों को मसल्स को तगड़ा बनाना होगा, मतलब काफी तगड़ा। सिर्फ बेहद जोरदार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपके केपलर 22B पर चल पाने के चांसेस बेहतर हो पाएंगे। और एक बार अर्थ पर आपकी बॉडी बन जाए तो आप वो सारी मसल्स पूरे 635 सालों के रोशनी की रफ्तार वाले सफर के लिए बचा कर रखनी होंगी। लेकिन इंसान अकेले ऐसे जीव नहीं है जिन पर ज्यादा ग्रेविटी का असर पड़ेगा। अर्थ से ऑक्सीजन और पोषण के लिए ले जाने वाले पौधे शायद केपलर 22B पर ना लग सकें। और अगर आप अपने साथ किसी जानवर को ले जाते हैं तो उन्हें एवोल्यूशन यानी विकास में तेजी लानी होगी। ज्यादा ग्रेविटी से जीवों को चलने के लिए और पैरों का विकास हो सकता है। इसके अंदर मौजूद अंगों की लोकेशन और साइंस भी तय होगी। लेकिन सफर यहाँ खत्म नहीं होता। साइंटिस्ट अब तक ये नहीं जानते कि केपलर 22b एक पथरीला प्लेनेट है भी या नहीं। ये गैस से बना हो सकता है जैसे कि नेपच्यून, या ये पूरी तरह से पानी से ढका हो सकता है। अगर आप और वहाँ बसने वाले शुरुआती लोग अपनी क्रायोस्लीप से जगें और खुद को एक गैसियस प्लेनेट पर पाते हैं तो ये काफी बुरा होगा। आपके पास अपने स्पेस शिप को लैंड कराने के लिए कोई स्लाइड सरफेस भी नहीं होगी, और जाहिर है ना ही कैंप लगाने की कोई जगह होगी। ऐसा होने पर आप और आपकी टीम को प्लेनेट के चक्कर लगाने वाले एक क्लाउड सिटी बनाने का तरीका ढूंढना होगा। और अगर आप एक समुद्री प्लेनेट पर लैंड होते हैं तो एक सबमरीन वाला शहर बनाना होगा। अगर आप पाएंगे कि प्लेनेट केपलर 22b एक पथरीला प्लेनेट है तो लॉटरी जैसा महसूस होगा, है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, वीनस भी पत्थरों से बना है। लेकिन फिर भी इसके डेंस यानी घने एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये प्लेनेट रहने लायक नहीं है। यहाँ का तापमान इतना गर्म है कि यहाँ लिक्विड पानी हो ही नहीं सकता। अगर केपलर 22b के साथ भी ऐसा होता है तो इस एक्सोप्लेनेट पर रहने के लिए हमारे पास इकलौता मौका तब होगा जब हम जमीन के नीचे रहने की जगह बनाने के लिए रोबोट्स को काम पर लगा दें। ऐसी जगह जहां हो सकता है कि तापमान इतना ठंडा हो कि आप उसे सह सकें। इससे बस ये साबित होता है कि प्राइम लोकेशन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि इंसान उस ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं। और हालांकि रहने के लिए दूसरी कोई दुनिया देखने में बहुत दिलचस्प लगती है, पर हमारी अर्थ इंसानों के लिए सबसे अच्छी जगह है। पर कभी कभी छोटे से बदलाव भी इसके बैलेंस को पूरी तरह से हिला कर रख सकते हैं। बस 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए और आप देखेंगे कि कैसे सूरज की रोशनी आपको जलाकर राख कर देगी। जानना चाहते हैं क्यों? तो बस देखते रहिए अमेजिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट।